हरे कृष्णा गुरुकियंस, आई एम नताशा फ्रॉम पठानकोट. आई एम मैरिड फॉर 2 ईयर्स एंड ब्लेस्ड विथ अ बेबी बॉय. मेरी डिवोशनल जर्नी जो है वो पिछले 1 साल से है. उससे पहले भी मैं डिवोशन करती थी, पर डिवोशन का क्या कंसेप्ट था, क्या लॉजिक था, मुझे समझ नहीं थी. पहले मैं डिवोशन करती थी मटीरियल चीज़ें पाने के लिए, कि अगर कोई परेशानी हुई तो भगवान के पास चले जाना. और पहले जो डिवोशन को मैं समझती थी कि ठीक है, अगर कुछ पढ़ लिया, जैसे सुंदरकांड पढ़ लिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, तो कोई आइडिया नहीं था कि इनमें लिखा क्या है. बस तोते की तरह बोल दिया, तोते की तरह रट लिया और बोल दिया. बट जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ, देन आई केम टू नो कि डिवोशन है क्या और हमें क्यों करनी है, कैसे करनी है. ये सारी चीज़ें हमें भगवत गीता सिखाती है. और भगवत गीता इतना ही नहीं सिखाती, ये भी सिखाती है कि इन सारी चीज़ों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लेके आना. डिवोशन जो है वो भगवान को पाने के लिए होती है, ना कि मटेरियल चीज़ों के लिए. पहले मैं हमेशा, जब मैं गोलोक एक्सप्रेस से नहीं जुड़ी थी, तो मैं हमेशा परेशानी में रहती थी, एंग्जाइटी में रहती थी. कुछ ना कुछ एक इनकम्प्लीटनेस थी, इंटरनल हैप्पीनेस नहीं थी. मैं पिछले 1 साल से, जब से मेरी शादी हुई है, उसके बाद 1 साल मैं बहुत टेंशन में रही हूँ, स्ट्रेस में रही हूँ. मुझे कुछ इंटरनल इश्यूज आते थे. मैं हैप्पीनेस बाहर ढूंढती थी, पर मुझे भगवद गीता पढ़ने के बाद पता लगा कि जो हैप्पीनेस है ये बाहर का प्रोसेस है ही नहीं, ये इंटरनल प्रोसेस है. फिर मैं बहुत परेशान रहती थी कुछ दिनों. तो मैंने, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं मिस्टर नितिन गुप्ता, उनसे बात करी, तो वो भगवद गीता करते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू ऐसा कर, भगवद गीता स्टार्ट कर. ये मतलब तेरी लाइफ में जो मज़ा होगा तो तू आइडिया लगा सकती. फिर उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया भगवद गीता से, ABCD मॉडल समझाया, जो कुरुक्षेत्र है हमारे वो समझाए. तो उससे क्या हुआ, मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, मुझे मज़ा आना शुरू हो गया. मुझे उनकी बातों में कुछ लगी कि हाँ भाई, कुछ कुछ है ये चीज़. तो मैंने क्या किया कि हमारे घर में भगवत गीता एडिटिव थी, तो मैंने वो पढ़नी शुरू की. 1-2 पेज पढ़ना तो बंद कर दिए. तो कोई इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता था ना, तो फिर इंटरेस्ट कैसे आएगा अगर कुछ समझ नहीं आएगा. तो उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर जब निखिल भैया ने स्टडी नोट्स बनाए, तो अभी उसके प्रिंटआउट्स मैंने निकाले थे, सिर्फ मेल्स पे ही आए थे. तो प्रीति दीदी ने मुझे कॉल किया कि नताशा, ऐसे भगवद गीता के स्टडी नोट्स आए हैं, तो क्या करोगी. तो मैंने कहा कि चलो करके देख लेते हैं. तो मैंने स्टार्ट करने शुरू किए, तो मैंने हाफ ही किए, तो मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया कि वाकई जो मेरे अंदर वैक्यूम भरा हुआ था, वो अब वैक्यूम जो था वो भरना शुरू हो गया. मेरे अंदर एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन आनी शुरू हो गई, मैं हैप्पीनेस अंदर से फील करनी शुरू हो गई. मेरी लाइफ में मिरेकल्स भी हुए जब मैंने हाफ भगवद गीता कंप्लीट कर ली थी. जैसे 50% 9 चैप्टर्स मैंने किए थे, तो आधी भगवद गीता पढ़ने का इतना असर हो गया था. तो आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर नितिन गुप्ता, जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. मैं शादी से पहले जॉब करती थी बैंकिंग सेक्टर में. मुझे वहाँ पर भी बहुत इश्यूज आते थे, एंग्जाइटी रहती थी, परेशानी होती थी, सिचुएशन हैंडल नहीं करने आती थी. जब मैंने भगवद गीता पढ़ी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने ये भगवद गीता उस टाइम पढ़ी होती, तो जितने मुझे इश्यूज आए तो नहीं आते. क्योंकि मुझे ये पता लगा कि भगवद गीता सिर्फ एक ये नहीं है कि भगवद गीता पढ़ी और बस हो गया. भगवद गीता को हम अगर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारी लाइफ वो ऐसे बन जाएगी कि जैसे हेवन होती है. मैं सोच रही थी कि आफ्टर डेथ हेल एंड हेवन्स होते हैं,
मुझे पता लगा कि हेल एंड हेवन ये यहाँ पे ही है। जब मैं गोलोक एक्सप्रेस से नहीं जुड़ी थी तो मेरी लाइफ जस्ट लाइक हेल। एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, डिससेटिस्फेक्शन, हर तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि जो मेरे में ना थी। कि कभी मैं एक्साइटेड होगी तो एक्साइटेड होगी, डिप्रेस्ड होगी तो बहुत डिप्रेस्ड हो गई। हर हर एक एक अंदर ही जद्दोजहद चलती रहती थी मेरे अंदर। जब मैंने प्रीति दीदी की हेल्प से भगवद गीता पढ़ी, आई वुड लाइक टू थैंक प्रीति दीदी। उन्होंने मेरे पे बहुत वर्क किया है, उन्होंने मुझे बहुत नॉलेज दी है, उन्होंने मुझे बहुत कंसेप्ट समझाए हैं कि अगर स्ट्रेस आता है तो क्यों आती है, ये हम सब कुछ लस्ट के कारण करते हैं। हमारे अंदर लस्ट भरी भरी पड़ी है तो हमें पहले लस्ट को दूर करना है। तो उन्होंने बहुत कंसेप्ट समझाया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्सन जो हमारी पूरी गोलोक एक्सप्रेस के हीरो हैं, मिस्टर निखिल गुप्ता, उन्होंने वो हमारे गोलोकियंस की रूट हैं। और अगर रूट इतनी पक्की है तो जो ट्री है वो तो हरा भरा होगा ही। तो हम गोलोकियंस के वो तो मतलब उनका तो ये हिसाब है, अगर मैं एक मदर हूँ तो मेरे पास प्रॉपर टाइम नहीं होता। तो उनका ये केस है, तो उनका कहना है कि वेन एवर यू फ्री देन कॉल मी, अगर मैं नहीं फ्री होऊंगा तो मैं आपको किसी ना किसी सेशन में एडजस्ट कर दूंगा। उन्होंने हर चीज़ को प्रॉपर यूटिलाइज किया है। अगर उन्होंने स्टडी नोट्स बनाए तो मुझ जैसे बंदे के लिए बना दिए भाई, जो इतना इग्नोरेंट है कि पूरी भगवद गीता नहीं पढ़ सकता, एटलीस्ट वो पढ़ेगा तो उसको कुछ समझ तो आ जाएगा स्टडी नोट से। तो स्टडी नोट्स पढ़ने से ही तो मतलब मैंने अब भगवद गीता प्रॉपर शुरू करी है। और अपनी लाइफ में मैं इतने चेंजेस फील कर रही हूँ कि मैं और मेरे मदर इन लॉ अब और मेरे फादर इन लॉ अब जो हम सब इकट्ठे भागवतम पढ़ते हैं। तो ये तो ऐसा लगता है कि हम जैसे सतयुग में आ गए हैं, जैसे स्वर्ग हो गई है लाइफ। और पहले तो लाइफ थी लाइक हेल। तो निखिल भैया ने बहुत मेहनत करी है। अगर अगर उन्होंने ये स्काइप का स्टाइल ना यूज़ किया होता, उन्होंने ये एक स्टाइलिश प्रोसेस बना दिया स्काइप से कि हम स्काइप से करते हैं भगवद गीता। अगर मैं किसी से शेयर करती हूँ कि हम वही घर बैठे भगवद गीता करते हैं और स्काइप से करते हैं तो सारे बोलते हैं अरे ये कैसे पॉसिबल है, स्काइप से करते हो? तो ये उन्होंने बहुत अच्छा यूज़ करा है टेक्नोलॉजी का। और मैं सबको कहना चाहूँगी कि गाइस प्लीज डिवोशन में आओ और असली हैप्पीनेस पाओ। दिस इज द बॉडी फ्री एंड सोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बाय, टाटा।